लंबी गाड़ी चला पाए तो उससे क्या अभ्यास अच्छा होता है। फिलहाल लंबी दूरी पर जाने का विचार है हमारा, क्योंकि जितनी लंबी बाइक चलाएंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उनके। बहुत अच्छी तरीके से बाइक चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ना तो बंद हुई है ना ही कोई दूसरी दुविधा इस रास्ते में हुई है। फिलहाल ये थर्ड गियर मेरे हिसाब से चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं, कोई दुविधा कभी समस्या नहीं है, पूरा क्लच छोड़ के रखा है, आराम से चला पा रहे हैं। इससे क्या है कि जो भी हमारे वीडियो व्यूअर देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये सारी चीज़ें शॉर्ट आउट होंगी। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, आपको भी प्रैक्टिकल नॉलेज लेना पड़ेगा और बेसिक सीखो पहले, उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज लो। प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे जब भी प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी बाइक के बारे में, पर वो सारी चीज़ें होती रहेगी समय के साथ प्रैक्टिस के साथ। इसी तरह धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल मुझे आराम से चला पा रही है, जब भी गड्ढा आ रहा है तो गड्ढे में नाली में ये धीरे कर रही है बाइक को, अपने हिसाब से आराम से चला रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बार बार मुझे गियर चेंज करने में नहीं पड़ी, थोड़ी लंबी गाड़ी चला पाए तो उससे क्या अभ्यास अच्छा होता है। फिलहाल लंबी दूरी पर जाने का विचार है हमारा, क्योंकि जितनी लंबी बाइक चलाएंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उनके। बहुत अच्छी तरीके से बाइक चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ना तो बंद हुई है ना ही